संगीतकार वाजिद खान का निधन के बाद एक ऐसी अपडेट सामने आ रही है सलमान भाईजान को लेकर जो काफी हिला देने वाला है। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके चैनल राउंड वर्ल्ड न्यूज में। आखिरकार ऐसी कौन सी बात आ रही है सलमान भाईजान को लेकर जो सभी फैंस के बीच में ये सवाल काफी तेजी से दौड़ रहा है। बिल्कुल, आप लोग को बता दूं, सलमान भाईजान इन दिनों सोशल मीडिया पे अपने सॉन्ग को लेकर काफ़ी चर्चाओं के विषय में बने हुए थे और काफ़ी तारीफें भी बटोर रही थी। उनके अभी तक लॉकडाउन के बीच 3 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं। जी दोस्तों, 3 सॉन्ग काफ़ी ज़बरदस्त था, जिसमें साजिद खान और वाजिद खान ने 2 सॉन्ग को कंपोज किए थे। बिल्कुल, आप लोग को बता देना चाहूँगा, सलमान भाईजान के प्यार करो ना सॉन्ग जो रिलीज़ हुई थी, उसके बाद सॉन्ग रिलीज़ हुई थी तेरे बिना, उसके बाद रिलीज़ हुई थी भाई भाई सॉन्ग। फाइनल आप लोग को बता दूं कि भाई भाई सॉन्ग 1 वीक पहले ही रिलीज़ हुआ है। इस बीच जहां सलमान भाईजान को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल, आप लोग को बता दूं कि जहां तक भाई भाई सॉन्ग को लेकर ये अपडेट आ रही है कि आखिरकार भाई भाई सॉन्ग को भी म्यूज़िक कंपोज किए थे साजिद और वाजिद खान ने। और बिल्कुल आप लोग को बता दूं कि अब वाजिद खान नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार जहां तक वाजिद खान को कैंसर का प्रॉब्लम था, साथ में जहां तक वो कोरोना वायरस से भी संक्रमण हो चुके थे, जिस कारण से आखिरकार वो जहां तक इस दुनिया में नहीं रहे, जिस कारण से आप लोग को बता दूं सोशल मीडिया पे इससे जोड़ा जा रहा है सलमान भाईजान को लेकर। क्योंकि हाल ही में सलमान भाईजान को लेकर उनके एक सॉन्ग रिलीज हुई थी भाई भाई सॉन्ग, जिसको जहां तक म्यूजिक कंपोज किए थे आखिरकार साजिद खान और वाजिद खान, जिसमें से जहां तक वाजिद खान नहीं रहे। जहां तक बात किया जाए, जहां तक वाजिद खान को लेकर ये तो फाइनल हो गई थी, जहां तक उनको कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिस वजह से जहां तक उनसे जितने सारे जुड़े लोग थे उनको भी चेकअप किया जा रहा है। यहां तक कि सलमान भाईजान को भी यहां तक अफवाह फैलाई जा रही है कि सलमान भाईजान को कोरोना हो चुका है, उनको भी संक्रमण हो चुका है। बिल्कुल, बात किया जाए, ये आखिरकार सोर्सेस के हिसाब से पता चल रही है और जहाँ तक इंटरनेट पर जितने सारे हैं इस बात को लेकर ही काफ़ी चर्चाओं के विषय में बनी हुई है। क्योंकि वाजिद खान जहाँ तक हाल ही में सलमान भाईजान से मिले थे और वाजिद खान को जहाँ तक कोरोना संक्रमण जहाँ तक पाए गए हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो उनसे जितने सारे जुड़ी लोग हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सलमान भाईजान को लेकर भी उनका नाम सामने आया है, सलमान भाईजान को कोरोना हो चुका है। बिल्कुल, आप लोग को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, सलमान खान का चेकअप हुआ है, सलमान भाईजान कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। बिल्कुल, आप लोग ने सही सुना है। आप लोग को बता दूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग सुरक्षित रहे, मास्क पहन कर रखे और जहां तक हमेशा ही घर के अंदर रहे। जितना आप लोग घर में रहेंगे उतना आप लोग सुरक्षित रहेंगे अपने फैमिली के साथ। तो बिल्कुल, बात किया जाए इसी बात को लेकर, सोशल मीडिया पे सलमान भाईजान को लेकर काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही है कि सलमान खान को भी कोरोना संक्रमण हो गए हैं। बिल्कुल, आप लोग को बता दूँ ये बात को लेकर काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट पर वो काफ़ी ट्रेंड चल रही है। तो बिल्कुल, मैंने जहां तक इससे रिपोर्ट जानने की पूरी कोशिश की, जहां तक मालूम चला है कि सलमान भाईजान का सही में उनको चेकअप किया गया है और फाइनल कोरोना से रिलेटेड उनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बिल्कुल, ये तो बात फाइनल था कि आखिरकार जब वाजिद खान को जब कोरोना संक्रमण पाए गए, पॉजिटिव पाए गए, तो बिल्कुल उनसे जुड़ी जितने सारे लोग हैं उनको चेकअप करना तो बनता है। बिल्कुल, आप लोग सही सुने हैं। मगर आप लोग को बता दूं कि यहां तक सलमान भाईजान को लगा इस बात को लेकर, उनको लेकर अफवाह ये फैलाई गई कि सलमान खान को कोरोना हो चुका है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल, आप लोग को बता दूं चेकअप हुआ है, जहां तक उनका बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, वो सेफ हैं। और जहां तक आप लोग कहना चाहूंगा, आप लोग भी सेफ रहें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल, और आप लोग से ये कहना चाहूंगा, प्लीज़ जहां तक 2 मिनट के लिए प्रार्थना ज़रूर करते जाइएगा। और जहां तक वाजिद खान के लिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। अगर आप सलमान खान से कोई भी जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें।